गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 24 नवंबर और आज के इस सेशन में 24 नवंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। सारंग भारतीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया? अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया या ऑस्ट्रेलिया? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ई गवर्नेंस का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर होगा? तो फ्रेंड्स, ई गवर्नेंस का जो 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन है ये होगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया जाएगा फ्रेंड्स, और ये जो सम्मेलन है 25 और 26 नवंबर 2022 को जम्मू कश्मीर के कटरा शहर के ककरियाल क्षेत्र में, जहां श्री माता वैष्णो देवी का मंदिर है, वहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। फ्रेंड, जो 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ था ये हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में आयोजित किया गया था। 25वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का विषय यानी कि थीम क्या है? तो नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना इस वर्ष की थीम है। आगे डिस्कस कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो मैप में आप सभी जम्मू कश्मीर की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हैं, शीतकालीन राजधानी जम्मू है जबकि ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बने थे? 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान में उपराज्यपाल हैं इनका नाम है मनोज सिन्हा। प्रमुख नेशनल पार्क कौन कौन से हैं जम्मू कश्मीर में? किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और दाचिंगम नेशनल पार्क, ये तीनों ही नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है फ्रेंड? तो बूलर झील है, और ये कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है? तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं? हिंदी, उर्दू, डोंगरी, कश्मीरी और अंग्रेजी। जम्मू कश्मीर के प्रमुख बांध हैं बगलीहार बांध जो कि चिनाब नदी पर बनाया गया है, दुलहस्ती बांध जो कि चिनाब नदी पर है, इसके अलावा याद रखेंगे उरी द्वितीय बांध जो कि झेलम नदी पर बनाया गया है। कमेंट्स करके बताइए कि झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। जेरी हैमलेट को किस केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूधगांव घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये पहला दूधगांव बना है कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला आ हर्बल महोत्सव कहाँ पर हुआ? जम्मू कश्मीर में। एक ग्राम पंचायत एक डीजी पे सखी नामक एक नया मिशन कहाँ शुरू किया गया था? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया था। आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहाँ से आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार द्वारा अरिट्टा पट्टी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स, अरिट्टा पट्टी जो कि जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, यह है तमिलनाडु में, यानी कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा इसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। फ्रेंड्स, ये तमिलनाडु में कहाँ पर आता है? तो ये तमिलनाडु में मुदरे जिले के मेलूर ब्लॉक में आता है। नाम याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि खबरों में रहा अरिट्टा पट्टी का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखना है तमिलनाडु से है। फ्रेंड्स, ये तमिलनाडु का पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल होगा। आगे डिस्कस कर लेते हैं अरिट्टा पट्टी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, अरिट्टा पट्टी गांव पारिस्थितिकी और ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से समृद्ध है। इसमें पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियां, जिनमें 3 महत्वपूर्ण रैप्टर शामिल हैं, शिकारी पक्षी अर्थात। कौन कौन से 3 प्रमुख शिकारी पक्षी हैं? तो लेगर फाल्कन है, शाहीन बाज है और बोनेली ईगल इसमें शामिल है। फ्रेंड्स, यह भारतीय पेंगोलिन,
स्लेंडर लॉरिस और अजगर जैसे वन्य जीवों का भी आवास स्थल है। आप सभी को ज्ञात होगा कि स्लेंडर लॉरिस के लिए देश के पहले वन्य जीव संरक्षण की जो अधिसूचना है वो भी तमिलनाडु सरकार के द्वारा घोषित की गई थी। साथ ही में याद रखेंगे कि 16वीं शताब्दी में पांड्य राजाओं के शासनकाल के दौरान निर्मित की गई अनाई कोंडन झील, ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये भी है तमिलनाडु में। फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि अनाई कोंडन झील किस राज्य में है, तो याद रखना है जो तमिलनाडु में है। आगे डिस्कस करेंगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। किस प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार स्थानीय निकायों के परामर्श से समय समय पर जैव विविधता के महत्व के क्षेत्रों को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित कर सकती है? तो फ्रेंड, जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37(1) के प्रावधानों के अनुसार, जैसा कि तमिलनाडु ने किया है। भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा है? तो नल्लूर इमली ग्रोव, जो कि ये कहाँ पर है, तो बेंगलोर कर्नाटक में हो। इसे कब घोषित किया गया था विरासत स्थल भारत का पहला? तो 2007 में किया गया था। फ्रेंड्स, आगे डिस्कस करेंगे कि किस देश ने विश्व में पहली बार वन्य जीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? तो फ्रेंड्स, ये क्लोन जो है ना, ये चाइना के द्वारा बनाया गया है। किस राज्य ने भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया है? तो हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा जो ढांचा है, ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा पेश किया गया है। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो डुडोंग, जिसे हम समुद्री गाय के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये भी तमिलनाडु में बनाया गया है। देश का पहला ड्रोन एक्सपो कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन भी तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया। अगला सवाल है कि किस राज्य में स्थित पुनः निर्मित तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो फ्रेंड, जो तवांग युद्ध स्मारक है ये है अरुणाचल प्रदेश में, और हाल ही में से क्या किया गया है, तो राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो तवांग के सुरम में शहर में युद्ध स्मारक 1962 के युद्ध के शहीद सैनिकों की याद दिलाता है। फ्रेंड्स, 1962 में भारत का युद्ध किसके साथ हुआ था? तो चाइना के साथ हुआ था। कमेंट्स करके बताएंगे कि भारत की जो चाइना से सीमा लगती है इसकी सुरक्षा कौन करता है। सेकंड पॉइंट का आंसर देंगे कि भारत से जो चाइना की सीमा लगती है इसे किस नाम से जाना जाता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैप में आप सभी देख सकते हैं ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के तीन प्रमुख दर्रे हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। पहला नाम याद रखेंगे दिफू दर्रा, दूसरा यांगपा दर्रा, और तीसरा याद रखना है बोमडीला दर्रा। ये तीनों ही दर्रे कहाँ पर हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में हैं। अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस किस के साथ लगती है? तो भूटान के साथ लगती है, चाइना के साथ लगती है, और म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे देहांग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? तो देहांग नदी के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी कर दिया गया है, भारत इस सूचकांक में किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन इंडेक्स जो कि 2023 का जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंक रही है 8, यानी कि भारत 8वें स्थान पर इस सूचकांक में रहा है। बात की जाए 2022 के इस सूचकांक की, तो इस इंडेक्स में भारत की रैंक 10 रही थी, यानी कि 2022 में भारत 10वें स्थान पर था और 2023 में भारत 8वें स्थान पर रहा है। फ्रेंड्स, इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा वर्ष 2005 से वार्षिक आधार पर इसे प्रकाशित किया जाता है। साथ ही में आपको याद रखना है कि G20 देशों में भारत शीर्ष 10वें स्थान बनाने वाला एकमात्र देश है इस इंडेक्स के अनुसार। अगला सवाल है कि सरकारी विभागों में नई नियुक्तियों के लिए डिज़ाइन किए गए एक विशेष ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स कर्मयोगी प्रारंभ का शुभारंभ किसने किया है? तो फ्रेंड्स, कर्मयोगी जो कार्यक्रम है इसका जो शुभारंभ किया गया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। फ्रेंड्स, है ना।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार मेले के तहत 71,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया और इसी के साथ कर्मयोगी कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। फ्रेंड्स, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो देश के लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए सिविल सेवा संचालित करना, जो सभी परिवर्तन का केंद्र है। अगला सवाल है कि भारत की ओर से किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके बारे में याद रखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को। फ्रेंड्स, ये जो पुरस्कार है इन्हें विलुप्त प्राय पक्षियों के संरक्षण और सुरक्षा और जागरूकता के लिए सम्मानित किया गया है। डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले आप सभी इस पक्षी को देख लीजिए जिनके संरक्षण के लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, इस पक्षी को असम में हरगिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इस पक्षी को असम में कहते हैं हरगिला। वैसे इसका जो नाम है वो ग्रेटर एड जूटेंट स्टॉर्क के नाम से इस पक्षी को जाना जाता है। फ्रेंड्स, असम की प्रमुख संरक्षणवादी कार्यकर्ता हैं पूर्णिमा देवी बर्मन और 2022 का संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ से इन्हें सम्मानित किया गया है। पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस राज्य से है, तो याद रखेंगे ये असम की रहने वाली हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड्स के बारे में। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये पुरस्कार शेरशाह जो मूवी आई थी इसको दिया गया है ना। 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज़ का अवार्ड किसने जीता है? तो ये सक्सेस ने जीत लिया है। डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो नीरज चोपड़ा बन गए हैं, जिनका संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से। किसने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये खिताब बांग्लादेश ने जीता है। अगला सवाल है कि किस देश ने नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हामसोंग 17 का परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स, ये जो अंतरद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है ना, इसका सफल परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया है। किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखेंगे उत्तर कोरिया ने इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने ग्रीन पोर्ट और सीपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, ग्रीन पोर्ट और सीपिंग के लिए भारत का जो पहला नेशनल एक्सीलेंस सेंटर की घोषणा की गई है ना, ये सर्वानंद सोनोवाल के द्वारा की गई है। और इसकी जो घोषणा हुई है ना फ्रेंड्स, वो मुंबई में इन मार्को 2022 जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसी में इसकी घोषणा की गई। फ्रेंड्स, इन मार्को एक चतुर्वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन और प्रदर्शनी है जिसकी मेज़बानी इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन इंजीनियरिंग द्वारा की जाती है। केंद्रीय पतन और पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री कौन है वर्तमान में? तो सर्वानंद सोनोवाल हैं और इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड, जो जलदूत ऐप है इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में। जबकि पहला कहाँ पर है? तो याद रखेंगे पहला है गुजरात के कलोल में। देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया है कहाँ पर? सिक्किम में। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये राजस्थान राज्य में किया जाएगा। देश की सबसे लंबी क्रूज सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू होगी? तो बनारस से बोगीबिल यानी कि उत्तर प्रदेश से असम के बीच शुरू होगी। और ये कब शुरुआत की जाएगी इसकी? तो 2023 में की जाएगी, जिसकी घोषणा हाल ही में की गई थी। अगला सवाल है कि इंडोनेशिया के जकार्ता में कराटे फर्स्ट सीरीज ए में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, पहले भारतीय बन गए हैं प्रणय शर्मा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और इनका संबंध किस खेल से है? तो ये कराटे के भारत के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका आयोजन हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, डॉक्टर कलाम सेवा जो पुरस्कार है ये दिया गया है रवि कुमार सागर को, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। तो RKINNO समूह के सबसे कम उम्र के संस्थापक और CEO में से एक रवि कुमार सागर को डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, यह पुरस्कार उन्हें समाज के लिए उनकी लगातार सेवा के लिए प्रदान किया गया है और वह भारत के सबसे कम उम्र के उद्यमियों में से एक हैं। फ्रेंड्स, ये जो पुरस्कार है ये हर साल वंदे भारत फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। कमेंट्स करके बताइए कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। आगे डिस्कस कर लेते हैं, किस कंपनी को संचार श्रेणी में सेल्फ फोर्स पार्टनर इनोवेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? वैश्विक परामर्श प्रौद्योगिकी और प्रबंधित सेवा प्रदाता प्रोडेप्ट को ये पुरस्कार दिया गया है। किसे 22 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार AP श्रीधर को दिया गया है। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसका सही आंसर है दक्षिण कोरिया। यानी कि फ्रेंड्स, सारंग भारतीय फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन है ये दक्षिण कोरिया के भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित किया गया था। आगे डिस्कस कर लेते हैं कल की क्लास का रिवीजन। 11वां संगाई फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मणिपुर में हुआ है। फ्रेंड्स, किस राज्य में सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो सीता माता की जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये बिहार में बनेगी, और बिहार में भी कहाँ पर? सीतामढ़ी। किस देश की संसद ने भारत के साथ व्यापार समझौते को मंजूरी दे दी है? तो ऑस्ट्रेलिया की संसद के द्वारा मंजूरी दी गई है। पूर्वोत्तर भारत का पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? सिलचर, असम में इसका उद्घाटन किया गया है। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय कप्तान बाबू मणि का 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो फ्रेंड्स, ये फुटबॉल से संबंधित थे, जिनका हाल ही में हो गया निधन। भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रु नाश किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन हुआ राजस्थान राज्य में। 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो ये पुरस्कार अभिनेता चिरंजीवी को दिया गया है। ICFP 2022 में किस देश को लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड्स 2022 प्राप्त हुआ है? तो ये अवार्ड मिला है भारत को, और भारत को कहाँ पर दिया गया था फ्रेंड्स? ये तो थाईलैंड में। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिडेंस इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत 61वें स्थान पर रहा है। जयपुर फुट USA के पहले वैश्विक मानवीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर के रहने वाले पत्रकार दानिश मंजूर को दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया? तो ये मानचित्र मैरी थार्प के द्वारा तैयार किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये था कल का करेंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। डिस्कस करते हैं टॉप 10 स्टैटिक GK क्वेश्चन। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सत्य के साथ मेरा प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत के राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद तेलंगाना में है। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं। लवलीना, परवीन, स्वीटी और अलीफिया ने किस देश में आयोजित ACI मुक्केबाजी चैंपियनशिप में खिताब जीत लिया है? फ्रेंड्स, तो ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी? जॉर्डन में।
दुनिया का सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मतदान केंद्र तासी गंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी क्या है फ्रेंड्स? गंगा नदी डॉल्फिन। निम्नलिखित में से कौन अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? प्रेसिडेंट। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आदिवासी बच्चों में तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कितनी अकादमियां स्थापित करेगी? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश के वीजा के लिए भारतीयों को अब पुलिस की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी? अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।